नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। कौन मारेगा बाजी सेगमेंट में आज हम बात करेंगे छपरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की। छपरा विधानसभा क्षेत्र सारण जिले के अंतर्गत आता है। आइए बात करते हैं छपरा विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक इतिहास और मौजूदा हालात के बारे में। वर्ष 2015 में हुए चुनाव में इस क्षेत्र से डॉक्टर सी एन गुप्ता विधायक निर्वाचित हुए थे। डॉक्टर सी एन गुप्ता भाजपा के टिकट से इस सीट पर चुनाव लड़ रहे थे। वहीं उनके विपक्ष उम्मीदवार रणधीर कुमार सिंह भी इस सीट पर दावेदारी कर रहे थे। रणधीर कुमार सिंह राजद के टिकट पर इस चुनावी मैदान में थे। डॉक्टर सी एन गुप्ता को 71,646 वोट हासिल हुए थे। वहीं रणधीर कुमार सिंह को 60,267 वोट प्राप्त हुआ था। दोनों उम्मीदवारों के बीच 11,379 वोटों का अंतर रहा था। वर्ष 2010 के चुनाव परिणाम को देखें तो इस चुनावी साल में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और परमेंद्र रंजन सिंह के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को भाजपा ने टिकट दिया था, वहीं परमेंद्र रंजन सिंह राजद की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे। इन दोनों के बीच हुए मुकाबले में भाजपा विजयी रही। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल विधायक निर्वाचित हुए। अब हम यदि 2005 के अक्टूबर और फरवरी माह के चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में जदयू और राजद के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें जदयू ने इस सीट पर बाजी मारी थी। जदयू उम्मीदवार राम प्रवेश राय ने राजद उम्मीदवार उदित राय को शिकस्त देकर विधायक निर्वाचित हुए थे। अब हम वर्ष 2000 के चुनावी परिणाम को देखें तो छपरा विधानसभा सीट से उदित राय ने विधायक सीट पर कब्जा किया था। उदित राय राजद के टिकट से इस चुनावी मैदान में खड़े हुए थे। वहीं निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के टिकट से रामबाबू राय हुए थे। छपरा विधानसभा सीट पर वर्ष 1995 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो इस चुनाव में उदित राय और जनक यादव के बीच कड़ी टक्कर हुई थी। इनके साथ ही चुनावी मैदान में कांग्रेस और जेडी के प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई थी। चुनाव परिणाम में उदित राय जेडी के टिकट से विधायक हुए थे और कांग्रेस के जनक यादव निकटतम प्रतिद्वंदी रहे हुए थे। वर्ष 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम पर नजर डाला जाए तो इस सीट से उदित राय विधायक हुए थे। वे स्वतंत्र रूप से किस्मत आजमाने उतरे थे और विधायक सीट हासिल करने में सफल हो सके थे। इस सीट पर जनक यादव जेडी के टिकट से निकटतम प्रतिद्वंदी हुए थे। छपरा विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की बात की जाए तो कुछ आवश्यक कार्य हुए हैं। छपरा विधानसभा क्षेत्र के चुनावी मुद्दों पर नजर डाला जाए तो इस क्षेत्र में बाढ़ बड़ी समस्या है। इसके अलावा जल निकासी बड़ी समस्या है। शहर में जल निकासी का एकमात्र स्रोत खनुआ नाला अक्सर ही जाम रहता है, जिस वजह से जगह जगह समस्या होती रहती है, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। सड़कों पर अतिक्रमण से भी लोग तंग हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें तो एनडीए की तरफ से भाजपा ने इस बार भी डॉक्टर सी एन गुप्ता को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं महागठबंधन की तरफ से राजद ने रणधीर कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले रणधीर सिंह 2019 लोकसभा चुनाव में राजद की तरफ से महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से लड़े थे, लेकिन भाजपा प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने उन्हें पराजित कर दिया था। अब बिहार विधानसभा चुनाव में रणधीर सिंह छपरा विधानसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कुल मिलाकर मुकाबला इन्हीं दो नेताओं के बीच है। अब देखना दिलचस्प होगा कि छपरा विधानसभा क्षेत्र से कौन बाजी मारने में कामयाब हो पाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़।